और रानीपुर के पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, पुलिस जुटी जांच में। शनिवार को मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास खुली पंजाब नेशनल बैंक में दोपहर 2 बजे एक युवक द्वारा बैंक के कर्मचारी योगेश त्रिपाठी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी तथा पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शोर सुनकर बैंक के सभी कर्मचारी अपने साथी को बचाने पहुंचे। इसी दौरान उक्त युवक मौका पाकर भाग निकला। घटना से गुस्साए बैंक कर्मचारियों ने बैंक का कार्य बंद करके युवक के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी प्रेमचंद ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का मौका मुआयना किया और जांच कर कार्यवाही में जुट गए। सर, ऐसा है, हमारे यहाँ कस्टमर राम लखन दुबे जी लगभग 1:30 बजे काउंटर पे कैश जमा कराना था, उससे नो ड्यूज लेना था तो पैसा जमा कराना था, तो हमारे जो कैश पियन है उनके साथ उनकी कुछ नोकझोंक हो गई, तो कस्टमर भी खड़े थे, हम लोगों ने भी जाके बीच बचाव करके दोनों पार्टियों को, पक्षों को शांत कर दिया। उसके बाद 2:15 के लगभग हमारे जब ये कैश पियन बाहर गए तो उनके बेटे ने आके उनके साथ मारपीट की है। अब बाहर उस वक्त मैं तो था नहीं, तो उसके लिए हमने पुलिस में रिपोर्ट योगेश जी की तरफ से ही करवा दी गई है, फुटेज भी हम निकाल रहे हैं, तो ये पक्ष हम इनको पुलिस वालों को जांच के लिए दे रहे हैं, तो जो भी दोषी पाया गया कानून के हिसाब से उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। मेरा यह कहना है कि यहाँ पे हर आदमी आता है और बदतमीजी करता है, कस्टमर यहाँ का बहुत बदतमीजी करता है, काम का बहुत बोझ है, काम कर रहा है प्रॉपर फिर भी गाली देता है, यहाँ किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, अंदर से भी कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे गार्ड भी रहते हैं वो भी अंदर नहीं आते हैं। आज हमारा एक साथी पिटा हुआ है, वो घायल भी है, उसे अंदूरी चोटें बहुत आई हैं। हालांकि अब हमें ये देखना है मऊरानी पुलिस क्या एक्शन लेती है उस पर, यहाँ का प्रशासन क्या एक्शन लेता है। बस हमें आपसे यही आशा उम्मीद है कि हमारी बात को आगे बढ़ाया जाए और हम यहाँ पे काम करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन सपोर्ट हमें बिल्कुल भी नहीं, किसी प्रकार का भी नहीं है, हम अकेले हैं। अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आप लोग क्या करोगे? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम लोग काम करना बंद कर देंगे, क्या करेंगे, अनशन में बैठ जाएंगे। फिर कोशिश तो यही रहेगी कि काम हम करें और हमारा काम आगे बढ़े, हमारी शिकायत को आगे लेके जाए। आप लोगों ने काम रोक दिया कि काम आप लोगों का चल रहा है? अभी तो काम रोक दिया है, लेकिन काम हम करेंगे, पब्लिक को परेशान भी नहीं करना चाह रहा, और हमारा साथी जो घायल है, जो पिटा है, उसकी FIR हो जाना चाहिए। अब तक तो घटना हुई आपके साथ में? आज भाई जब 2:00 बजे एक नो ड्यूज के पैसा जमा करने आए, कोई दुबे थे, उनने पैसा जमा किया, पैसा जमा करने के बाद बोले पैसा जमा कर लो, हमने कहा भाई जब कर लिए, पैसा जमा करने के बाद बोले आप मुझे जानते नहीं हो, बोले मैं भाजपा महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष का लड़का हूँ, बोले मैं भाजपा का निगुंडा हूँ, बोले अभी तुम जानते नहीं हो तो मैं देख लूँगा। हमने भाई साहब जानने ना जानने वाली बात ही क्या है इसमें, आपने पैसे जमा किया, हमने जमा कर लिए, बात खत्म हो गई। उनके बाद में उनके पिताजी आए, बोले बेटा कोई बात नहीं, आप तो हमारे मिलने वाले हैं। उसके बाद लंच हो गया, लंच में 2.25 रुपये हमारे कुछ मिलने वाले खड़े थे बाहर, बैंक गई के उनका फोन आया, बोले भैया बाहर खड़े आ जाओ मिलने। हम बैंक के जैसे ही बाहर पहुँचे, हमारे साथ जे सोनू भी था, बाहर पहुँचे हमें पता ही नहीं चला, इतने में सर उनने हमें नीचे गिरा के जमीन पे पूरे कपड़े फाड़ दिए और लात घूंतों से मारा। बोले आज शाम तक तुम्हें 5 बजे तक बोले तुम्हें हम बोले जान से मार देंगे, बोले हमें भाजपा का नेता कहते हैं, बोले जानते नहीं हो, बोले मैंने अच्छे अच्छे विधायकों को निपटा दिया, बोले मऊरानीपुर नहीं इस पूरे जानते नहीं हो, मैं भाजपा का, बोले सर हमें सर उनसे जान का खतरा है और मेरी जान को खतरा है सर इनसे, और सर जान की मारने से धमकी दे। मऊरानीपुर से नितिन मिश्रा की रिपोर्ट।